शिक्षाविद गोविंद सिंह डोटासरा मंगलवार को सीकर के लक्ष्मणगढ़ दौरे पर है। यहां डोटासरा ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने लॉकडाउन की पालना को लेकर की गई व्यवस्था की समीक्षा की, साथ ही अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में डोटासरा ने कहा कि स्कूलों में रखी खाद्य सामग्री को उपयोग में लेने के लिए सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं, साथ ही ऑनलाइन शिक्षा को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। रेडियो और दूरदर्शन जो हमारे गांव ढाणी में अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति तक भी सूचनाएं पहुंचाने के लिए माने जाते हैं और हमारी सरकारी उपक्रम है, मैं समझता हूं उसके माध्यम से हम लोग हमारे बच्चों को जो घरों में बैठे हुए हैं उनको उनकी पढ़ाई बाधित नहीं हो, इसको सोच करके एक प्लान किया गया कि दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से हम लोग हमारे बच्चों को एजुकेशन उनकी जो है उसको दी जाए ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से या रेडियो आकाशवाणी के माध्यम से। इसके लिए हमने यहाँ पर राज्य सरकार में जो उनका केंद्र है जयपुर में, वहाँ पर हमने आवेदन किया था स्लॉट देने के लिए, समय देने के लिए, तो उन्होंने हमसे कोई करीब 65 लाख रुपए मांगे थे। हमने जावड़ेकर जी को चिट्ठी लिखी है और आवेदन किया है, बीजेपी के तमाम नेताओं और मंत्रियों को भी कहा है कि आप मदद कीजिए और बच्चों को निशुल्क ये शिक्षा मिले दूरदर्शन और रेडियो के।